नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। जैसा कि हमने मित्रों प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारा अगला प्रोजेक्ट है कि हम लोग कैसे एमएस वर्ड को प्रोटेक्ट करें, यानी कि हम अपने एमएस वर्ड में पासवर्ड कैसे लगाएं। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि हमें कहीं भी, मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में उसको प्रोटेक्ट करने के बाद कोई खोल ना पाए। अगर कोई खोल ले तो उसे एडिट ना कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे, फिर रिव्यू का ऑप्शन, तो रिव्यू पे जाएंगे हम लोग, रिव्यू पे जाएंगे यहाँ पे, फिर रिव्यू में सबसे लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का है। क्या है? प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट का है। तो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे हम लोग जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा साइड में, राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, लिमिट फॉर्मेटिंग सिलेक्शन स्टाइल, और नीचे लिखा हुआ है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसी टाइप के डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ लिख देगा यस स्टार्ट इंपोर्टिंग प्रोटेक्शन। मतलब अभी आपको प्रोटेक्शन करना है, तुरंत करना है चाहिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिए हमारी बात को। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर पासवर्ड करेंगे। यहाँ पासवर्ड मान लीजिए हमने डाल दिया 1 2 3 4 5। क्या डाला? 1 2 3 4 5। यहाँ पे री इंटर उसी पासवर्ड को दोबारा हम लोग डालेंगे, 1 2 3 4 5 हमने डाल दिया, फिर ओके कर दिया। अब देखिए हम लोग इसमें ना तो कुछ लिख सकते हैं ना तो कुछ चेंज कर सकते हैं, ये हमारा जो है प्रोटेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट। इसको अगर हम लोग सेव कर दें, यहाँ से सेव करने के बाद अगर हम काट दें, तो अब क्या होगा कि अगर हम इसी असाइनमेंट को दोबारा खोलेंगे तो हम लोग इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पासवर्ड पढ़ चुका है। अगर इस पासवर्ड को हटाना है और हमें कुछ इसमें एडिटिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, फिर से रिव्यू ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ पे जाना होगा, फिर उसके बाद इसी पे क्लिक करना होगा। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो साइड में हमारा एक ऑप्शन खुलेगा और नीचे लिखा रहेगा कि स्टॉप प्रोटेक्शन। क्या लिखा रहेगा? स्टॉप प्रोटेक्शन। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे स्टॉप प्रोटेक्शन पे, तो वो पासवर्ड मांगेगा, फिर 1 2 3 4 5 हमें पासवर्ड डालना होगा, फिर ओके करना होगा। अब देखिए हम लोग कुछ भी इसमें देखिए एडिटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं ना। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम लोग आसानी से क्या करें, पासवर्ड को कर सकते हैं, पासवर्ड को लगा सकते हैं एमएस वर्ड में। आज आपने सीखा कि हम लोग पासवर्ड कैसे लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।